देखिए बहन जी, मेरी एक लौती बेटी है तो उसके लिए मुझे एक से एक रिश्ता चाहिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी मेरी बेटी एक से एक रिश्ता लेके आई। अच्छा हो बेटा तुम आ गई, तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। मॉम मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे शादी वादी नहीं करना, लेकिन आप समझते क्यों नहीं हो? और आप अपने लड़कों की शादी अपनी लड़कियों के साथ करा दीजिए। मैंने आपको बोल दिया है मॉम, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, कोई लड़का मुझसे शादी करेगा तो उसे मेरी शर्तें माननी पड़ेगी, उसे घर जवाई बनना पड़ेगा, मुझे बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, मैं जब चाहूँ जहाँ जाऊँ आ सकती हूँ जा सकती हूँ, कोई रोकटोक नहीं होना चाहिए। और हाँ, वो मेरे लिए खाना बनाएगा, मैं उसके लिए नहीं। यदि कोई ऐसा लड़का मिलता है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना आप लोग मेरी शादी का ख्याल अपने मन से निकाल और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। इतना घमंड, इतनी घमंडी से शादी कौन करेगा? आपकी बेटी की जब शादी नहीं करी तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इसके इस बिहेवियर का कारण मैं हूँ। जब ये छोटी थी तो इसके पापा ने हमें छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली, तब से ये मर जाता और सारे लड़कों से नफरत करती है। सभी इंसान का बिहेवियर उसके अतीत से जुड़ा होता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट जरूर करना।